क्या हो अगर कोई शरीफ आदमी पूरी आर्मी को निपटाने का दम रखता हो। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में देखने को मिलता है। एक ऐसा आदमी जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना खतरनाक बन गया कि बड़े से बड़ा गुंडा भी उससे डरने लगा। मूवी की शुरुआत में हम हच नाम के आदमी को देखते हैं जिससे कुछ पुलिस वाले पूछताछ कर रहे होते हैं। उसके पूरे बदन पर खून लगा होता है जिसे देख पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब हच उन्हें अपनी कहानी बताता है जहां हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही सीधा साधा आदमी होता है जो अपने है ससुर की कंपनी में जॉब करता है। एक रात उसके घर में दो चोर घुस आते हैं जिसमें से लड़की के हाथ पर एक टैटू बना होता है जिसे हच देख लेता है। चोरी कर जैसे ही चोर वहां से जाने वाले होते हैं तो इतने में उसका बेटा आकर एक को पीछे से दबोच लेता है, लेकिन हच अपनी सराफत की वजह से चोरों को वहां से जाने देता है जिससे उसका बेटा उससे काफी ज्यादा नाराज होता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है। पुलिस वाला हच से कहता है अगर कोई मेरे घर में ऐसे घुसाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। ये सुन हच को काफी बुरा लगता है कि उसने कुछ किया क्यों नहीं। अगले दिन यही बात उसका पड़ोसी भी उसे कहता है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया, क्या उसे अपने परिवार की चिंता नहीं है। ऑफिस जाने पर उसका साला उसे एक गन देता है ताकि अगर फिर से एक तरह का हादसा हो तो वह अपने परिवार की रक्षा कर सके। हच अपने ससुर से उनकी फैक्ट्री खरीदने की बात करता है क्योंकि उसके पास अपना कहने लायक कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। रूम में जाकर वह अपने भाई से एक रेडियो की मदद से बात करता है। वो बताता है कि उन दोनों के पास जो गन थी वो खाली थी और शायद पहले कभी यूज भी नहीं हुई थी। अपने पिता के पास जाकर वो उन्हें भी उस रात के बारे में बताता है। यहाँ पता लगता है कि उसके पिता पहले एक FBI एजेंट थे। घर आकर उसे पता लगता है चोर उसकी बेटी का ब्रेसलेट भी ले गए जो उसकी बेटी को बहुत ज्यादा प्यारा था। हच को पैसों से कोई मतलब नहीं था पर वो अपनी बेटी है ब्रेसलेट लेने के लिए निकाल जाता है। अपने पिता से उनकी आईडी और गन लेकर हर टैटू वाले के पास जाकर लड़की के हाथ पर बने टैटू के बारे में पता करने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक दुकान मिलती है जिसका मालिक उसे बताता है कि उसकी आईडी कई साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है और उसे यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तभी दुकान पर बैठा एक आदमी उसके हाथ पर एक निशान देख खुद को कमरे में बंद कर लेता है। ये सब देख दुकानदार उसे टैटू के बारे में बता देता है। पते पर जाकर पहले वो आदमी के मुंह में एक घुसा मारता है और फिर उससे अपनी घड़ी और ब्रेसलेट मांगता है। चोर उसे घड़ी दे देता है पर उनके पास कोई ब्रेसलेट नहीं होता। गुस्से में आकर वो चोर को मारने वाला ही होता है कि तभी उसे अंदर से किसी की रोने की आवाज आने लगती है जहां एक बच्चा होता है जो कि किसी बीमारी से लड़ रहा होता है। ये सब देख हच काफी दुखी होता है और वहां से गुस्से में चले जाता है। अब वो एक बस में बैठा होता है पर उसके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा रहता है। तभी कुछ अमीर जादे बस में चढ़ते हैं जो कि वहां बैठी एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। हच ये देख मुस्कुराते हुए बस के ड्राइवर को बाहर भेज बस का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद उन सबकी धुलाई करना चालू कर देता है, किसी के हाथ तो किसी के पैर तोड़ देता है। उनमें से एक आदमी उसे बस से बाहर फेंक देता है। हच फिर से अंदर आकर लड़की को वहां से जाने को कहता है। ये सब देख गुंडों की हालत खराब हो जाती है। हच उनमें से एक लड़के के गले में डंडे से मारता है जिससे उसे सांस आनी बंद हो जाती है, लेकिन वह उसे जिंदा छोड़ देता है। घर वापस आने पर उसकी पत्नी उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और उसे कहती है क्या पुराने दिन फिर से आने वाले हैं। फिर हम एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम यूनियन रहता है जो कि बार डांसर के साथ थुमके लगा रहा होता है। उसका दोस्त उसे ऐसी हरकतों पर कुछ ऐसा बोल जिसे सुन वो गुस्से में एक आदमी को बिना किसी गलती के मार देता है, जिससे पता लगता है कि यूनियन कितना ज्यादा खतरनाक है। हच ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक यूनियन का छोटा भाई भी था। हॉस्पिटल जाकर जब वो अपने भाई की ऐसी हालत देखता है तो गुस्से में अपने भाई के दोस्त को उस आदमी के बारे में पूछने लगता है, जहां से उसे एक मेट्रो कार्ड मिलता है और यूनियन हच के बारे में सारी जानकारी पता कर लेता है। अगले दिन हच अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी उसे उसके भाई हैरी का कॉल आता है। हैरी उसे बताता है कि कल रात उसने जिन को मारा था उनमें से एक रसियन डोन यूनियन का भाई था, जिस वजह अब तुम्हारी पूरी फैमिली बड़ी मुसीबत पड़ सकती है। हच एक आदमी से मिलने जाता है जो उसे यूनियन के बारे में बताता है कि पूरे रसियन ग्रुप का मालिक यूनियन है और वो बहुत खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की यूनियन के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है उसे हच के बारे कुछ पता लगता है, जिस वजह से वो यूनियन के लिए काम करना छोड़ देती है। रात को आदमी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने की बात कर रहा था कि तभी उसे कुछ गाड़ियों उसके घर की ओर आती दिखाई देती है। वो सभी को एक खुफिया कमरे में छुपा देता है। गुंडे जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो हच सबको एक एक कर मारने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में आदमी को होश जाता है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर जल्दी से दौड़ता हुआ घर आता है। घर तो मानो पूरा तहस नहस हुआ पड़ा था। घर की सफाई करने के बाद अपनी फैमिली को वहां से किसी महफूज जगह भेज देता है। वापस आकर उसने कुछ सोने के बिस्किट लिए और बेसमेंट में जाकर अधमरे पड़े गुंडों को अपनी कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पता लगता है कि वह एक एजेंट था जो सरकार के लिए काम करता था। एक दिन जब वह एक गुनाहगार को मारने गया तो उसे उस पर दया आ गई, जिस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। कुछ सालों बाद जब वापस उस आदमी के घर गया तो वो सुधर चुका था और अपनी एक फैमिली के साथ बहुत खुश था, जिसे देख मैंने भी अपनी एक फैमिली बनाने की सोची और फिर मैंने एक आसान सी लाइफ चुनी जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। उसकी कहानी सुनते सुनते सभी गुंडे अपना दम तोड़ चुके थे। फिर उसे अपनी बेटी का ब्रेसलेट भी मिल गया जो वहीं पर सोफे के नीचे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह सारा झमेला खड़ा हुआ था। फिर अपने ही घर में आग लगाकर अपनी पड़ोसी की गाड़ी लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ यूनियन के कुछ आदमी हच के फादर को मारने जाते हैं, लेकिन उल्टा हच का फादर उन्हें भी मार देता है। फैक्ट्री जाकर वो अपने ससुर से पूरी फैक्ट्री खरीद लेता है, फिर उसमें ट्रैप बिछाने लगता है ताकि वो यूनियन की गैंग का सामना कर सके। उसके बाद वो यूनियन के अड्डे पर गया जहां जाकर उसने सारे लोगों को मारकर उसके पैसों आग लगा दिया। फिर वो यूनियन के बार में जाता है जहां यूनियन उसे बेवकूफ समझने लगता है। यूनियन के सभी आदमी उस पर गन तान देते हैं, लेकिन हच अपने साथ में एक बॉम्ब लेके गया हुआ था। वो कहता है उसे सिर्फ बात करनी है।
क्योंकि वो उसकी फैमिली तक पहुंच गया था, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए उसने उसके सारे पैसों को आग लगा दिया। जिसे सुन यूनियन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हच उसे समझाता कि बचे पैसों के साथ उसे नई लाइफ शुरू करनी चाहिए और इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसे पता था यूनियन उसका पीछा जरूर करेगा, जिसके लिए वो पहले से तैयार था। वो सभी को फैक्ट्री पर लेकर आता है जहां उसका भाई और फादर पहले से मौजूद से थे, जिन्हें देख हच काफी खुश होता है। फिर तीनों मिलकर उनका सामना करने लगते हैं। हच के लगाए ट्रैप में यूनियन के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। तभी यूनियन हैरी को एक गोली मार देता है और अब तो तीनों की गोलियां भी खत्म हो जाती है। हच अपने साथ बॉम्ब को एक बुलेट प्रूफ कांच पर बांधकर यूनियन की तरफ दौड़ता है और उसके मुंह पर जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण यूनियन वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हच अपने पिता और भाई को वहां से भेज खुद को पुलिस के हवाले कर देता। पूछताछ के दौरान दोनों पुलिस वालों को एक कॉल आता है और वो हच को छोड़ देते हैं। कुछ महीने बाद हच अपनी फैमिली के साथ एक घर देखने आया होता है। तभी उसे एक कॉल आती है, जिसके बाद वो पूछता है क्या इस घर में बेसमेंट है, मतलब अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई और पिता एक गाड़ी बहुत सारी गन लेकर हच के घर आ रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।